राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि उन पर आरोप है कि अदालत ने पिछले साल दर्ज एक मामले में उन्हें जिन शर्तों पर जमानत दी थी उस शर्त का उन्होंने पालन नहीं किया, क्योंकि अदालत की शर्त में साफ था कि वे बिना अदालत की अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे और अब वे इन्वेस्टमेंट समिट को लुभाने के लिए, इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए विदेश में हैं, तो उनके खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज हुआ है। सावर जी चौधरी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये पूरा मामला अदालत के सामने रखा है, इनसे बात करते हैं। सर ये पूरा मामला क्या, पहले ये बताइए। सर ये वर्ष 2011 में जो गोपालगंज में सांप्रदायिक के तौर पर आपस में दो गुटों में संघर्ष हुआ था, वो मामला जिसकी CBI ने जाँच की थी और CBI ने जाँच करके जो आरोपी बनाए थे उनमें भजनलाल जी शर्मा भी राजकार्य में बाधा के लिए आरोपी थे। इन्होंने माननीय न्यायालय से 2013 में अग्रिम जमानत स्वीकार करवाई थी, जिसमें बाकायदा ये शर्त है कि ये बिना इस न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून का मखौल उड़ाते हुए, माननीय न्यायालय के आदेश का पालना नहीं करते हुए, बिना माननीय न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए विदेश गए। ऐसे में ऐसे व्यक्ति की जो जिनके खिलाफ न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा चल रहा है, जिन मुकदमों पे उनकी हाजिरी पे माफ़ी भी पेश होती है, उनकी तरफ से अधिवक्ता की पैरवी भी पेश होती है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले न्यायालय से इजाज़त प्राप्त करके विदेश जाना चाहिए था। उन्होंने इसका उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ माननीय न्यायालय से हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि जमानत निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। चौधरी साहब एक चीज़ बताइए ना, उस वक्त तो शायद उनके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा और हो सकता है कि वो उस वक्त मुख्यमंत्री भी नहीं थे, तो क्या उन पर ये अभी आपका वाला नियम जो आप जिस आधार पर गए वो लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि पासपोर्ट होना या नहीं होना ये कोई कंडीशन नहीं देखी जाती है। कई बार ये होता है कि जैसे अपराध होते हैं और उनका पासपोर्ट भी अगर मैं एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यूअल के लिए माननीय न्यायालय हमेशा परमिशन देते आए। कई बार विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो माननीय न्यायालय से वो परमिशन प्राप्त करते हैं और माननीय न्यायालय प्रदान भी करते हैं उस परमिशन को। लेकिन उनके द्वारा एक मुख्यमंत्री होने का उनमें अपने आप का एक अहम बिंदु हो गया कि उनका खुद का इतना स्वाभिमान हो गया कि माननीय न्यायालय से उन्होंने अब इजाजत लेना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री रह गए। आपकी अदालत से क्या अपील है, क्या मांग आपने रखी है? मेरी अदालत से यही मांग है कि इन्होंने भजनलाल जी शर्मा ने माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है, इसलिए इनकी जमानत है जो निरस्त की जाए और जमानत जो प्रदान की थी निरस्त करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक आखिरी सवाल, 2011 का मामला है, 2013 में इनके खिलाफ कोर्ट तक मामला पहुंचा है, तो क्या उसके बाद कोई पेशी में भी ये इस मामले से जुड़े में शामिल? हाँ, पेशी से इनकी तरफ से माननीय न्यायालय के अंदर हाजिरी माफी प्रस्तुत होते हैं, इनकी तरफ से अधिवक्ता प्रस्तुत होते हैं, इनकी पैर भी की जा रही है और माननीय न्यायालय में ट्रायल के तौर पर मुकदमा चल रहा है। खुद कभी पेश हुए? अब खुद का तो मैं इतना व्यक्तिगत हुए होंगे शायद उसमें पेश, वो चार सीट वोटर सीट से पता लग सकता है माननीय न्यायालय की। तो वकील साहब हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि आधार पर ये अदालत पहुंचे थे हाई कोर्ट में और अब किस तरह की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मामला राजस्थान के मुख्यमंत्री से है और उन पर आरोप है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट की शर्तों की अवहेलना की है, तो मामला काफ़ी गंभीर है। भोपालगढ़ का ये पूरा मामला था, सांप्रदायिक तनाव से मामला जुड़ा हुआ था ये, और अदालत ने इसी शर्त पर जमानत दी थी कि वे विदेश या भारत की सीमा से बाहर बिना अदालत की अनुमति के नहीं जाएंगे। बावजूद इसके वे पिछले कई दिनों से विदेश में हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़े कॉन्फ्रेंस का दिसंबर महीने में आयोजन कर रही है और उस दिसंबर महीने में आने वाले निवेशकों को राजस्थान आमंत्रित करने के लिए, उनसे निवेश करवाने के लिए वे बतौर मुख्यमंत्री कई देशों की यात्रा पर हैं। उनके साथ राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा और अधिकारी भी हैं। बात केवल इतनी ही है, अदालत ने जिन शर्तों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जमानत दी थी, यानी कि उस वक्त जो BJP के बड़े नेता थे भजनलाल शर्मा, साल 2011 में जब यह पूरा मामला सामने आया उसमें जिन शर्तों पर जमानत दी थी, अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन्हीं शर्तों का अनदेखी की और बिना अदालत की अनुमति के वे विदेश चले गए और इसी को अब अदालत के सामने रखा गया और बताया कि मामला किस कदर गंभीर है। यदि मुख्यमंत्री ही अदालत का इसी तरह से अदालत के आदेश का, निर्देश का अवमानना करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा, और चूंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, यही कारण है कि इस मामले से जुड़े वकील सावर चौधरी की ओर से साफ कह दिया गया कि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमानत को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। फिलहाल तो ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके वकील की ओर से अदालत में इस पूरे मामले पर किस तरह के तर्क रखे जाते हैं, क्योंकि अदालत की शर्त अभी भी अपनी जगह है। जमानत जब दिया था उस वक्त की शर्तें अभी भी बरकरार है और उन्हीं शर्तों को
नहीं मानते हुए विदेश जाने का यह पूरा मामला है। फिलहाल तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस पूरे मामले के कारण काफ़ी मुश्किलें बढ़ गई है। श्री वत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।